हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे हो, ठीक हो, स्वस्थ हो, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। वेलकम टू माय चैनल राइट ब्रांड। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब आते हैं हमारे प्रोडक्ट पे। आज मैं दो स्टाइल का आपको रिव्यू देने वाला हूँ और उसका क्वालिटी क्या है सारा चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये डेली यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए, ठीक है, ऑफिस के लिए तो काफ़ी बेटर है, बहुत अच्छी स्टाइल है। आप देखिए, नया स्टाइल है टोटल। ये है हमारा बैच कलर, ठीक है, बैच कलर देखिए, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है इसको। इसके सोल के बारे में, इसके के मटेरियल के बारे में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और ये है इसका रेड कलर, ये देखिए, ये अलग स्टाइल है। ये देखिए ब्लैक, और इसका एक कैमल कलर है। ये कैमल कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है, ठीक है, चार कलर है, ठीक है। अब ये चार कलर हो गए, दो स्टाइल हो गया, ठीक है। ये चारों कलर और दोनों स्टाइल ऐसा है कि ऑफिस के लिए बहुत ही प्यारा है। दोनों स्टाइल दिखा देता हूँ, ये ब्लैक एंड बेज, ठीक है, ये दोनों अलग अलग स्टाइल है, ठीक है। अब मैं इसका मटेरियल बताता हूँ। मटेरियल देख रहे हैं आप, ये मटेरियल को बोलते हैं सिंथेटिक प्योर। ये सिंथेटिक प्योर है, ठीक है, ये बेस मटेरियल है। और ये हमारा इसके अंदर 3 mm का युवा कुशन लाइनिंग होता है, वो यूज़ किया जाता है सॉफ्टनेस के लिए। वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, जो आप पैर रख के, मतलब जिस पर आप पैर रखते हैं उसका मैं बात कर रहा हूँ, इसको बेस बोलते हैं जिसको। और इस पर आप काफ़ी टाइम अगर खड़े रहें तो हील पे जो प्रेशर आता है, यहाँ पे ये हील पे प्रेशर आपके बैक पेन के लिए प्रॉब्लम नहीं होएगा, क्योंकि ये हार्ड नहीं होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये प्यू बोलते हैं जैसे कि मैं बताया आपको। और ये अपर में भी ये प्यू सिंथेटिक है, ठीक है। इसको डलर एक पैटर्न लेदर आता है, पैटर्न लेदर से इसको मैच करके बनाया गया है कलर कॉम्बिनेशन के लिए। और इसकी बिनाई होती है, बिनावट करके, हैंड वर्क से, पूरा हाथ से बिनाई होता है। तो इसको पूरा बिनाई करके दो कलर में बनाया गया है डिज़ाइन के लिए, अच्छा लुक आने के लिए। ये प्लेन एक साइड में पट्टा, एक साइड में बिनाई है, ठीक है। इसका ये जो बेल्ट देख रहे हैं, ये बेल्ट को भी काफ़ी अच्छे से, मतलब फिटिंग के लिए, ताकि आप एक बार इसको पहने और फिट कर ले तो ये बेल्ट आपको बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट पहन सकते हैं। इसमें लाइक्रा लगा हुआ है यहाँ पे बेल्ट में अंदर, ठीक है, जिसके वजह से ये एडजस्टेबल है। एक बार आप इसको, इसलिए ये यूज़ किया जाता है कि वेलक्रो, जो पहले जैसे लोग काफ़ी वेलक्रो यूज़ करते थे, वेलक्रो कैसे आप जब वॉक करते हैं या कुछ करते हैं तो ये प्रेशर जब यहाँ पे आता है, जैसा आगे आप चलते हैं, ये मैं हाथ करके बता दे रहा हूँ, जब ये चलेंगे आप तो जब ये प्रेशर डालेंगे ऐसा, तो प्रेशर के ऊपर क्या होता है, ये वेलक्रो रहता तो खुल जाता था काफ़ी टाइम पे वेलक्रो, तो इसलिए हम लोग ये जो है ये यूज़ करते हैं पक्कल, ताकि आपको जो ग्रिप रहे वो अच्छा रहे और ये खुले नहीं, तो इसमें ग्रिप काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। और इसके अंदर की जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, ये लाइनिंग का खासतौर से हमारे हर एक प्रोडक्ट में ध्यान रखा जाता है, ठीक है, लाइनिंग का। तो ये काफ़ी अच्छी लाइनिंग यूज़ की जाती है, और स्टिचिंग भी होती है तो मजबूत धागे से स्टिच होता है कि वो स्टिचिंग खुले नहीं। और उसका स्टिचिंग का खासतौर से लाइन वगैरह का बहुत ख्याल रखा जाता है, स्टिचिंग खुलेगा नहीं, धागा भी बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब इसको कलर कॉम्बिनेशन है, बेस को देखिए, दो कलर कॉम्बिनेशन में बनाया गया। एक तो इसका आप देख रहे लाइट टेन कलर है, और ये बेज कलर को कॉम्बिनेट करके बनाया गया, ताकि बहुत ही अच्छा लुक आएगा जब आप पैर, मतलब सैंडल निकाल के रखे रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। तो इसका पेस्टिंग जो होता है, ये वाटर प्रूफ
पेस्टिंग बनाया जाता है कि आप कभी पानी में पहन के ज़रूरत पड़ा तो, या कभी बारिश का टाइम है आप रेगुलर ऑफिस आ रहे जा रहे हो, ऑफिस में यूज़ कर रहे हो, तो ये पानी में उखड़े नहीं। जैसा आप बारिश के टाइम पे प्लास्टिक यूज़ करते हैं, तो वो प्लास्टिक की जगह पे आप इसको यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वाटर में भी कंटिन्यू, क्योंकि इसका पेस्टिंग वो हिसाब से बनाया जाता है कि खुले नहीं। ये काफ़ी अच्छा पेस्टिंग किया जाता है, मशीन प्रेस पेस्टिंग होता है जिसको मशीन मोल्ड भी एक तरह से बोलते हैं, मशीन मोल्ड। तो ये मशीन मोल्ड पेस्टिंग किया जाता है, इसको आप कितना भी प्रेस खींचेंगे तो ये खुलेगा नहीं, ठीक है। तो ये पेस्टिंग हो गया, वाटर प्रूफ पेस्टिंग है, पेस्टिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वाटर में यूज़ करेंगे। तो इसका सोल है, ये एयरमेक्स सोल है, ठीक है, और ये 2 इंच का हील है, ये जो हील है ये 2 इंच का हील है, ठीक है। तो ये ब्लॉक हील बोलते हैं, जो मतलब कोई ज़्यादा हील नहीं है, ये कैसा हर कोई यूज़ कर सकता है ये हील जो है हर कोई, और काफ़ी लाइट वेट होता है, जो हमारा जितना भी प्रोडक्ट होता है काफ़ी लाइट वेट होता है, तो ये लाइट वेट रख के ध्यान में बनाया जाता है। जैसे मैंने ये बताया वैसे इसका भी सोल है सेम, बट उसका अलग से बताऊँ आपको। तो ये जो है ना सोल का आप देख सकते हो, इसके अंदर जो ये लाइनिंग दी है ये आपका ग्रिप और सपोर्ट का काम करता है, कि आप जैसे टाइल या मार्बल पे चल रहे हो या किसी स्लिपरी जगह पे आप वॉक कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा ग्रिप देता है, स्लिप नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सोल भी फ्लैक्सीबल होता है, ये जो है ना फ्लैक्सीबल होता है, काफ़ी फ्लैक्सीबल है, जितना आपको वॉकिंग के लिए फ्लैक्सीबिलिटी चाहिए उतना रहता है। और इसकी फिटिंग विटिंग का भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है, फिटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, तो आपके पैर में कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि फिटिंग का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो इसका आपने देखा 2 कलर है, एक बेज और ये रेड कलर में, 2 कलर कॉम्बिनेशन में बनाया गया, जो आप कोई भी ड्रेस पे, कैजुअल पे, बेसिक जो भी आपका ऑफिस यूज़ का ड्रेस है उस पर वेयर कर सकते हैं, ये कलर को ध्यान में रख के बनाया गया, ठीक है। अब आते हैं ये सैंडल पे, ये सैटन लेदर है, ये शाइनिंग होता है, थोड़ा लाइटली शाइनिंग होता है, जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग नहीं होता है, साटन लेदर। इसमें भी ज़्यादातर कोशिश किया गया है कलर कॉम्बिनेशन को मैच करने के लिए, यहाँ पे भी लाइट टेन कलर यूज़ किया गया है कलर कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं पहले वाले में बताया कि वो वाटर प्रूफ है, तो वैसे ये भी वाटर प्रूफ है, ठीक है, ये दोनों ही वाटर प्रूफ है। आप इसको वाटर में भी कभी ऑफिस में यूज़ करते हैं या बारिश के टाइम पर यूज़ कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसका जितना भी हमारा प्रोडक्ट है उसका 3 मंथ्स का वारंटी आता है, ठीक है। और ये जो है आपको देख रहा है ये लाइट टेन है, और अंदर लाइनिंग भी वही लगाई गई है, सॉफ्ट लाइनिंग, शो बाइट का प्रॉब्लम ना हो। और ये दोनों ही प्रोडक्ट को आपको क्वालिटी को, दोनों ही जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है इसको कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आप एक बार वेयर करेंगे, यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली दोबारा आप इसके यूज़ टू रेगुलर हो जाएंगे, यूज़ करने में भी और लुक में भी आपको काफ़ी अच्छा लुक देगा। और सोल इसका भी एयरमैक्स सोल है, बट ये फोल्ड नहीं होता ज़्यादा, बट ये इसमें फोल्ड ना होना वो अलग चीज़ है कि फोल्ड नहीं होता, बट इसको बनाया ऐसा गया है, यहाँ पे कब ऐसा सोल यूज़ किया गया ये, कि आपको वॉकिंग में प्रॉब्लम नहीं आए। फोल्ड नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि आपको वॉकिंग में प्रॉब्लम आएगा, इसको वॉकिंग में प्रॉब्लम नहीं आए क्योंकि आगे के तब जाके ये ऊपर उड़ जाता है जिसका कब बना हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा लुक भी देता है और वॉकिंग में भी काफ़ी अच्छा होता है। ये सोल क्रेक नहीं होता है, ये दोनों ही एयरमैक्स सोल होता है। ये एयरमैक्स सोल की खासियत ये होती है कि ये क्रैक नहीं होता है, जैसा प्यू 6 महीना 4 महीना रख दो आप यूज़ करके तो वो क्रैक हो जाता है, तो ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, क्रैक नहीं होता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, ठीक है। पेस्टिंग बहुत ही अच्छी है, आप हमारे सारे वीडियो देखेंगे तो यही हमने सब जगह मेंशन किया हुआ है कि जो है ना क्वालिटी को मेन ध्यान में रखा जाता है। मेन हमारा मेजर काम यही है कि हम क्वालिटी को ध्यान में रख के अच्छी से अच्छी चीज़ बनाएं, और उसके आगे जो आप बाय करें, जो भी बाइंग करें, जो भी हमारा प्रोडक्ट बाय करें, आपको उसका पैसे का पूरा वर्थ मिले, क्योंकि ये आपके दिल में ही जगह बनाना हमारा काम है, और हम अपने पूरे एक्सपीरियंस को यूज़ करके ये सब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन जब मैं अपलोड करूँ तो मिलती रहे, ठीक है। और ये 2 कलर है, सॉरी आपको बताना भूल गया, 2 कलर में है, कैमल कलर और ये ब्लैक कलर, ठीक है। थैंक यू सो मच।